बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया को बिहार छोड़कर भागना होगा, नहीं तो गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह बड़ा बयान पूर्वी चंपारण में दिया। सम्राट चौधरी आज मोतिहारी के चुरैया विधानसभा क्षेत्र के पताही पहुंचे, तो वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सिक्के से तौलकर उन्हें सम्मानित किया। जनता को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 में केंद्र में मोदी सरकार और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार अगर बन जाएगी तो ये रोड पर जो बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया है, अगर बिहार छोड़कर नेपाल नहीं भागे तो गया में इनका पिंडदान हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर वो फिर यात्रा पर निकलते हैं तो पहले 50 सीट पर सिमटे थे और आने वाले दिनों में 25 सीट पर सिमट जाएंगे। तो वहीं इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद ने भोजपुरी अंदाज में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बाबू कब किस महिला के खिलाफ बोलने लगेंगे, किस दलित के खिलाफ बोलने लगेंगे, किसका अपमान करने लगेंगे, अब तो हम ही हाथ जोड़ लिए, हम ही हाथ जोड़ लिए कि अब उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। कब गड़बड़ा जाएंगे, सब आरोप हमी पे लग जाएगा। देश में यदि मोदी बैठेंगे तो एक गारंटी स्पष्ट है मोदी जी का, गरीबों का कल्याण तो होगा ही, लेकिन जो गरीबों को लूटने वाला भ्रष्टाचारी है उसको जेल में भी बंद करने का काम मोदी की सरकार करेगी। साथ ही अब भाजपा का ही कोई बेटा बिहार की गद्दी पर बैठेगा, इतना स्पष्ट करता हूं। और दूसरी बात, एक गारंटी जरूर देता हूं, ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये जो तीनों सड़क पर दिखते हैं ना आपको, एक बार भाजपा की सरकार बनाओ या तो वो नेपाल भाग जाएगा, नहीं तो उसको गया में पिंड दान देने का काम शुरू हो जाएगा।